नमस्कार, एक्शन पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का पटियाला खबरनामा में स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की अहम खबरें। राजपुरा एनटीसी स्कूल का मामला हुआ शांत, बच्चे पहुंचे क्लासों में, सड़कों पर उतरकर पूर्व प्रिंसिपल के हक में दिया था धरना। राजपुरा में नौजवान ने फेंका लड़की पर तेजाब, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कांग्रेस की ज्यादतियों के खिलाफ अकाली दल का पटियाला में विशाल धरना आज। पुलिस ज्यादतियों, गैरकानूनी माइनिंग और दलित विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। उत्तरी भारत में पड़ रही ठंड ने हाल किया बेहाल, माता पिता ने बच्चों के स्कूल का समय बदलने की मांग। किन्नौर में लगाए गए जिला स्तरीय पशु भलाई और जागरूकता कैंप, पशुपालकों का हर संभव मदद देगी पंजाब सरकार। अब और में कर्जे से परेशान किसान ने खुद को मारी गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुलिस को चकमा देकर निजी अस्पताल से आरोपी हुआ फरार, 307 का था मामला दर्ज। फूड सप्लाई विभाग की ढीली कार्रवाई, शिकायत देने के 10 दिन बाद भी जांच नहीं हुई शुरू, जल्द जांच ना हुई तो खटखटाया जाएगा अदालत का दरवाजा। टॉफी का लालच देकर 4 साल की बच्ची को अगवा कर की थी हत्या, आरोपी को अब मिली सजा। धोखे से एटीएम बदलकर रिटायर्ड अफसर के खाते से निकलवाए लाखों रुपए, पुलिस ने ठग को काबू करने का किया दावा। तो ये थी दिन भर की अहम खबरें, और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्शन पंजाब, क्योंकि असर ऐसा चोट नजर आए।